इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके एक पॉपुलर कोर्स के बारे में जो कि यूजी लेवल पे किया जाता है, जिसका नाम है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आफ्टर ट्वेल्थ क्लास यूजी लेवल पर इस कोर्स को करना चाहते हैं। और बात आए जब इग्नू यूनिवर्सिटी की, तो इग्नू यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि ओपन यानी कि डिस्टेंस मोड में, एक फॉर्म में एक चीज आती है ODL, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, तो इसका मतलब यही होता है, इस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। तो मैं आपको आज पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं, अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करते हो तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है और आपको क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलने वाला है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना ताकि कोई भी सवाल आपके मन में ना रह जाए, अगर रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, देन उसके बाद मेन टॉपिक के ऊपर आऊंगा। तो देखिए बच्चों, अगर अभी की बात की जाए इग्नू के अंदर, अभी 31 जुलाई जो है वो डेट रखी गई है 2022, यहाँ पे लिख देता हूँ, एडमिशन की। कौन से एडमिशन? यूजी लेवल के, पीजी लेवल के, सर्टिफिकेट वाले हो सकते हैं, डिप्लोमा वाले, ये सभी। यानी कि इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोई कोर्स नहीं होता ना, वो इग्नू करवाती है। बहुत सारे जने इसे करते हैं क्योंकि इग्नू के जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में है, इवन ओवरसीज सेंटर भी है, इंडिया के बाहर भी इसके सेंटर है, तो एक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आप इस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करने वाले हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये कुछ बेसिक डिटेल है। सबसे पहले बात आती है बच्चों आपके कोर्स के कोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कोड जो है ना वो काफी ज्यादा मैटर करता है। ये आप अपनी स्क्रीन पर सारा डिटेल में देख सकते हो। जब आप इस कोर्स को करोगे तो आपके आई कार्ड में ये चीज लिखी आएगी BAPSH, तो यही आपकी पहचान है आपके इस कोर्स की। अगर इसे आप थोड़ा सा मतलब फुल फॉर्म में करोगे, ये तो एब्रिविएशन यूज है, तो इग्नू से मतलब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या मानी गई है? इसकी एलिजिबिलिटी मानी गई है 12th पास, क्योंकि भैया आप 12th से निकलोगे तभी तो ग्रेजुएशन करोगे, और यहाँ पर है कि आपको पास होना जरूरी है। तो भैया देखिए, आप कोई भी बोर्ड से हो सकते हैं, चाहे आप CBSE से हो, NIS से हो, या कोई स्टेट बोर्ड हो, व्हाटएवर, कोई भी हो, 12th पास आउट होना चाहिए, बस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए मीडियम की बात करते हैं, तो मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों है। कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम के, वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में कर लीजिएगा या फिर हिंदी मीडियम में कर लीजिएगा, ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर, और स्टूडेंट भी वही चूज करेगा जो कि 12th बेस पर उसके पास मीडियम रहा था, ठीक है। ड्यूरेशन की बात की जाए, देखिए ड्यूरेशन जो है आपका मिनिमम है 3 साल और मैक्सिमम है 6 साल। कहने का मतलब जो आपका सेशन रहता है, देखिए 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, होता है कि भैया 90% बच्चे आराम से 3 साल में कवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से या कुछ पेपर की प्रिपरेशन सही ना होने की वजह से ऐसा होता है समटाइम कि जैसे फर्स्ट ईयर में ER आ गई, मतलब बैक आ गई, तो ER जो आ गई, जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्टों में बैक आ गई, तो आपने सेकेंड ईयर में उसके 2 सब्जेक्ट और दे दिए, तो इसलिए थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो आपको टोटल टाइम दिया जाता है ग्रेजुएशन करने का 6 साल का, इन 6 सालों के अंदर आपकी जो डिग्री है वो वैलिड रहेगी, और इसके बाद वैलिड नहीं रहेगी। अगर आप करोगे तो फिर आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से दोबारा से, ठीक है, अगर आप इन 6 सालों में नहीं कर सके तो डबल चांस। और जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी में 5 साल का टाइम मिलता है, जबकि यहाँ पे 6 साल कर दिया गया। फीस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो है बच्चों, अगर आप ऑनर्स का यहाँ पे कोर्स कर रहे हो इग्नू से, तो थोड़ा बहुत महंगा होता है एज कम्पेयर टू प्रोग्राम से, तो यहाँ पर आपको 4200 पर ईयर के पे करने पड़ेंगे। जैसे आप एडमिशन लेते हो ना, डायरेक्ट ऑनलाइन एडमिशन होता है यहाँ पे मेनली, तो आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते ही, जब आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो जाता है, देन लास्ट में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं कि आप पर ईयर वाइज करना चाहते हैं या फिर 1 टाइम में ही कर देना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है पार्ट, ठीक है। तो आप चाहे तो ईयर वाइज कर लीजिएगा 4200, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम कर लीजिएगा, तीनों साल की एक साथ, तो 12600 है और पर ईयर की 4200 है। एडमिशन का जो सेशन रहता है इग्नू के अंदर, वो पूरे साल में 2 बार एडमिशन के जो विंडो होते हैं वो ओपन होते हैं एवरी ईयर। जी हाँ बच्चों, जैसे अभी जून चल रहा है, तो जुलाई वैसे इसके एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं, और 31st जो जुलाई है वो लास्ट रखी गई है, बट ये जो डेट है वो अभी एक्सटेंड होगी, मतलब अगस्त तक जाएगी ये डेट,
और हो सके तो सितंबर तक भी चले जाएगी। ये डेफिनेटली आपकी एक्सटेंड होती है, हर बार होती है इग्नू के अंदर, ठीक है। अगर इनकेस अगर इस वाले सेशन में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो एक सेशन और होता है दिसंबर वाला, हालांकि कोरोना की वजह से अब थोड़ा जनवरी वाला उसे गिना जाता है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आपके यही आपका फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप अभी वाले सेशन में एडमिशन ईजिली ले सकते हो, बस पास होना आपके लिए ज़रूरी है। जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं उनका जुलाई तक आराम से रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो वो हर बार ले लेता है क्योंकि एडमिशन इसलिए निकाले जाते हैं ताकि ट्वेल्थ वाले बच्चे ले लें, वरना लेगा कौन, मेन तो बारहवीं वाले बच्चे हैं ना, और खासकर सीबीएसई के, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। जब आप अपना एडमिशन ले लेते हो ऑनलाइन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया था सारा का सारा, ठीक है, और भी मैंने इग्नू की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब मेन बात आती है कि आप पढ़ोगे क्या। आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन के कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है और बुक जो होती है आपकी 2 से 3 महीने में आपके घर पे आ जाती है। तो आप पढ़ोगे क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ओवरऑल बी ऑनेस्ट पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑफिशियली है, आपके प्रोस्पेक्टस से निकाला गया है। तो आप देख सकते हो आपका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स है, तो BAPSH इस ये आपका कोर्स का कोड है, और आपको पूरे 3 साल ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा इस वाले पार्ट को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, और ये अगर आप समझ गए तो इग्नू में आप कोई भी कोर्स लीजिएगा, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स कीजिएगा, हिंदी ऑनर्स कीजिएगा, इंग्लिश ऑनर्स कीजिएगा, या प्रोग्राम कीजिएगा, व्हाटएवर आपको जो करना है, उस सभी में एक चीज कॉमन रहेगी, वो ये है इनका क्रेडिट सिस्टम। एक इग्नू ने चीज लाई है CBCS, जिसे बोला जाता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो यहां पर आप कुछ देख रहे हो क्रेडिट, जी हाँ, ये सारे क्रेडिट आपके कोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, इग्नू में बच्चों आप यूजी लेवल पे जब कोर्स करते हो तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज कोर्स देखने को मिलता है। जैसे पर ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की है, तो जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर हो गए, देन सेकेंड ईयर में जब आओगे तो आपको तीसरा और चौथा सेमेस्टर करना पड़ेगा, जब आप थर्ड ईयर में आओगे तब आपको 5वां और 6ठा सेमेस्टर करना होगा। ये है आपका सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो सभी सेमेस्टर जो होते हैं वो अपने से पहले से डिसाइडेड होते हैं। हर साल आपको 2 सेमेस्टर करने होते हैं, यानी कि बड़ा सिंपल सा है। अब बात ये आती है कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ये अभी आपको कोड दिख रहे हैं ना, ये आपके सब्जेक्ट के नेम है, अभी मैं आपको थोड़ा इनका प्रॉपर नेम भी बताने वाला हूँ, पहले आप इन्हें समझ लीजिएगा। ये जो क्रेडिट है ना, यही आपका डिसाइड करेंगे कि आपको कितना कितना करना है। जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर करोगे, तो 2 सेमेस्टर में सबसे पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर करोगे जिसके अंदर 2 कंपलसरी सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑनर्स कर रहे हो, तो मेन सब्जेक्ट है आपके BPSC 101 और BPSC 102, ये आपको कंपलसरी हर एक बच्चों को लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो डिसिप्लिन वाले आपको नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें नहीं दिए गए हैं। उसके बाद है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स AEEC, तो ये वाला जो है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में लाया गया है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों को ऐड किया गया है। यह होता है ना, एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे आपको नॉलेज होना जरूरी है। आप पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हो, ऑब्वियसली आप कीजिएगा, लेकिन कुछ उसके साथ मिली जुली एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होना जरूरी है अदर सब्जेक्ट की। तो जैसे यहाँ पे BEVAE 181, तो ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना, जनरल इलेक्टिव कोर्स में आपको इन कोर्स के बारे में पढ़ना है। आपको ये ज्यादा लग रहेंगे लेकिन ये ज्यादा नहीं है, क्यों, क्योंकि मेन चीज तो बच्चों ये है कि आपको यहाँ पे बोला गया है टोटल 22 क्रेडिट आपको लेने हैं। अब आप 22 क्रेडिट कैसे लोगे, देखिए ये वाले जो है वो 6 क्रेडिट के हैं, तो 6 और ये 6 कितने हो गए, 12, ये वाला है नहीं, और ये हो गया 4 क्रेडिट, तो 12 और 4 हो गए 16, और ये है नहीं, ब्लैंक है। अब 16 जो है उसके बाद बचे सिर्फ 6 क्रेडिट, और ये वाले जो है वो 6 क्रेडिट के हैं, लेकिन ये तो इतने सारे, तो इसमें से आपको सिर्फ एक चूज करना है, कोई भी, वो आपकी इंटरनल चॉइस हो सकती है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर ही सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप इनमें से कोई भी ले लेना, सभी 6 के हैं, तो यहाँ पे 16 और 6 हो गया आपका 22। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अपने सब्जेक्ट ऐसे चूज करे, ठीक उसी तरह आप जब फर्स्ट ईयर का देते हो तो फर्स्ट ईयर में दोनों आपको सेमेस्टर चूज करने पड़ते हैं। तो जब आप ऊपर वाला कर लोगे फर्स्ट सेमेस्टर का, देन नीचे वाले में आपको ये कंपलसरी होगा BPSC 103 और BPSC 104। उसके बाद आपको इसमें से एक चॉइस मिलेगी,
बी ई जी ए ई या फिर बी एच डी ए ई, इनमें से आपको एक लेना है और इनमें से भी आपको एक लेना है, तो ऐसे ही आपके 22 क्रेडिट पूरी हो जाते हैं। और सारा रूल फॉलो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये सारे आपके कंपलसरी रहेंगे। इस वाले में आपको चॉइस मिलेगी, जैसे इसमें खुद बता दिया एनी टू, बाकी ये सारा ब्लैंक है। और इस वाले में से एक करना है, मतलब जितने जैसे क्रेडिट है आपको वैसे ही चूज करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता दूं, थर्ड सेमेस्टर का तो तीन सब्जेक्ट ये हो गए 18 नंबर के, ठीक है, क्योंकि 6 के हिसाब से तीन हो गया, 6 3 और 18 हो गया, उसके बाद टोटल 28 करने हैं, तो अब बचे आपके पास टोटल 10, तो 10 में से ये हो गया एक सब्जेक्ट आपका 4, तो 22 हो गया, और ये हो गया एक, इसमें से चूज करने ना, टोटल 22 और 6 28, उसी तरह तीन ये 18 हो गए, एक 28 टोटल, इसमें 24 करने हैं, तो दो हो गए 6 12, और दो आप करोगे 6 नंबर के तो 24 हो जाएंगे, ठीक इसी तरह यहाँ पर। तो ये आपका ओवरऑल हो गया, और ओवरऑल क्रेडिट आपके 148 होते हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपको कैसे समझने हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपका फर्स्ट ईयर का पूरा दिखा रखा है कि आपको कैसे पढ़ने को मिलने वाला है, ठीक है। होप्स हो गया आपको ये सारा क्रेडिट सिस्टम अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो ये सब पढ़ना पड़ेगा, जैसे सेमेस्टर वन में आपको क्या क्या पढ़ना है जो कंपलसरी है, जो इलेक्टिव है। जैसे कंपलसरी में आपने ये पढ़ा था ना बीपीएससी 101 102, और सेकंड सेमेस्टर में 103 104, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये दो नाम देखने को मिल रहे हैं, बीपीएससी 101 जो कि है बच्चों इस कोर्स का नाम अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जी हाँ आप राजनीतिक सिद्धांत की समझ के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आप बीपीएससी 102 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हो, यानी कि संवैधानिक सरकार और भारत के अंदर लोकतंत्र। उसके बाद आपने एक ये वाला सब्जेक्ट भी चूज किया था बीईवीएई, तो ये जो सब्जेक्ट का नाम है वो है बच्चों पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो इलेक्टिव वाला था यहाँ पे, इनमें से आपको कोई एक चूज करना है, तो इनके सबके कोड ये रहे और आपको इनमें से कोई एक चूज करना है। आप चाहे अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर जी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, या साइकोलॉजी को, मीडिया एंड कम्युनिकेशन को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, अप्लाइड एथिक्स को, इंडियन सोसाइटी को, जो आपका मन करे, इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना। तो अब आपने एक सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देखोगे 6 और 6 कितने हो गए, 12 प्लस 4 हो गया 16 और 6 22, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, मतलब ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बस इसमें से आप देख लेना आपको जो अच्छा लगे। ज्यादातर बच्चे अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर लेते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, देखिए जो दो कंपलसरी सब्जेक्ट है बीपीएससी 103, तो इसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और बीपीएससी 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जब बात इलेक्टिव की आएगी तो इसमें बहुत सारे थे, लेकिन आपको कोई एक चूज करना है। आप चाहे तो इसके अंदर गवर्नेंस इश्यू एंड चैलेंजेस को चूज कर सकते हैं, यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी को, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक को, जेंडर सैनिटाइजेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जो ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स था, इनमें से दो दिए गए थे, आपको एक चूज करनी है, दोनों लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी भाषा और संप्रेषण, और इसी का कन्वर्जन है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका मन करे आप वो चूज करना, इसमें भी वो चूज करना, इसमें आपको दो करने पड़ेंगे। तो इसमें भी 22 करनी है, तो 6 और 6 12 हो गए, और 6 18 हो गए, और 4 22 हो गए, तो आपके 22 क्रेडिट ऐसे पूरे होते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होगी। तो ये है आपका ओवरऑल बच्चों बी ऑनर्स के बारे में, फर्स्ट ईयर का पूरा, सेकंड ईयर के भी आपको अपने आप पता चलते रहेंगे, लेकिन मेन चीज होती है फर्स्ट ईयर के बारे में कि बच्चे को पता तो रहे शुरुआत कहां से हो रही है, आगे तो वो कुछ भी कर लेगा लेकिन शुरुआत ही नहीं पता। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं छोटा सा आपको और समझा देता हूँ। देखिए आपने जैसे सपोज कीजिएगा आप जुलाई में एडमिशन ले लेना, सभी बच्चे जुलाई में एडमिशन ले लेना जो लेना चाहते हैं, 31st तक है वो डेट, आगे बढ़ेगी आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप कर देना, ठीक है। जब आप अपना एडमिशन लोगे तो याद रखना आपका जुलाई में एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज आपको असाइनमेंट जमा करने होंगे, यहाँ पे असाइनमेंट के बिना कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो असाइनमेंट आप कब जमा करोगे, वो आपके मार्च से लेकर जून तक के बीच में जमा होते हैं, तो आपको बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपके असाइनमेंट के नंबर लग जाएंगे, फिर आपको एक एग्जाम फॉर्म भी भरना होता है जो आप एनुअल मोड का एग्जाम दोगे, तो 200 रुपये आपको पर सब्जेक्ट देने, 8 सब्जेक्ट है तो 1600 रुपये आपको उस समय पे करने होंगे, यानी नेक्स्ट ईयर जब आपके एग्जाम आ जाएंगे। और आपको एक री रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, मतलब देखिए आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हो, उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाओगे, तो इग्नू बोलते हैं सेकेंड ईयर में जाने से पहले
आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि सेकंड ईयर की पहली आपसे फीस ले ली जाती है आपके एग्जाम से पहली, यानी कि आपके अगले साल जो एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर के, तो जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना उससे पहले ही ना री रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन कर दिया जाता है कि सेकंड ईयर की फीस आप पे कर दीजिएगा और अपने सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, तो आप कर दो इसमें, बस ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और डेट इसके अंदर बहुत एक्सटेंड होती है हर चीज की, चाहे असाइनमेंट हो, एडमिशन हो, री रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि ओपन है ना बच्चों को पता नहीं चल पाता, इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल एक्यूरेट डालने जो ऑल टाइम आपके पास रहे। तो आप अगर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, इग्नू की उतनी ही वैल्यू है जितनी अदर की वैल्यू है, बस लोगों के मिथ है कि इसकी वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू नहीं है, सबकी वैल्यू है, वैल्यू ना होती तो ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही ना करती, और लाखों लोग जो यहाँ से करते हैं वो नहीं करते, उन्हें छोड़ो मैं खुद यहाँ से अपना एमए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डीयू का छात्र हूँ, मैंने डीयू से रेगुलर कर रखा है, लेकिन मैं एमए से यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज अच्छे आते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है आपका और अच्छा रहता है, बहुत बेस्ट है। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। होप सो कि बच्चों आपको ओवरऑल बी ऑनर्स पॉलिटिकल के साइंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से मिल चुकी होगी, तो आप जब भी फॉर्म भरो आप भर देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो इग्नू के बारे में बता रखी है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी, सब आप देख लेना इग्नू की प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में, होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है डाउट है या कुछ भी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, मैं देख के आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा।